हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज़ लामिया नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर आप मुझे पहले से जानते हो, मेरे शुरू से वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हो कि मैं वीडियो से पहले ही आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को अगर आपको समझना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को याद करिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। वो सारे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बन जाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है। द फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि आपने ये तो बता दिया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे, तो कुछ एग्जांपल्स भी तो बताइए ना। न्यूटोनियन फ्लूइड के कुछ एग्जांपल्स भी तो पता होने चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन है, कौन सा फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन है? तो आप एग्जांपल्स लिख लो, वाटर, ओके, मरकरी, ग्लिसरीन, ऑयल, एयर, ओके, एयर या गैसेस, एयर ही लिख लीजिए, गैस में बहुत सारी गैसेस आ जाएंगी, एयर। ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड के हैं। वो सारे फ्लूइड जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करने वाले हैं वो सारे के सारे फ्लूइड हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हमेशा न्यूटोनियन फ्लूइड को ही यूज करके आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। अब बात आती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, उसको देखिएगा जरा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? वो सारे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। अच्छा भाई, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ तो फॉलो करेंगे ना, तो वो जो फॉलो करेंगे उसको देखिए आप, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, वेयर ए एन एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ओके, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के भी कुछ क्लासिफिकेशन है। ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को तीन तरीके से क्लासिफाई करा गया है। एक है हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड, दूसरा है हमारा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड और तीसरा है हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। चलिए तीनों फ्लूइड को डिस्कस करते हैं, उन्हें देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूं, इसका जो पहला पार्ट है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड। ओके, अब डाइलेटेंट फ्लूइड हमारे क्या होंगे? इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, व्हेन एन इज ग्रेटर देन वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो। अगर एन ग्रेटर देन वन है और बी इज इक्वल टू जीरो है, देन हम लोग उसे बोलेंगे कि ये डाइलेटेंट फ्लूइड है। ओके, अब आप खुद सोचो, अगर ये डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन है और एन ग्रेटर देन वन हो गई, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या होने वाली है? इंक्रीज करने वाली है ना। तो जब ये इंक्रीज करेगी, इसका मतलब इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा, ये स्लोप ही तो है। तो स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है, अगर आप डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कि वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें स्लोप बढ़ना चाहिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप यहाँ पर टेंजेंट डालोगे तो एंगल मिलेगा जीरो। ओके, यानी स्लोप मिलेगा जीरो। यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ टेंजेंट डालेंगे कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ टेंजेंट डालेंगे, तो धीमे 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 स्लोप क्या बढ़ता चला जा रहा है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए जो आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ आपका होने वाला है ये, इस तरीके से आप पहचान सकते हो अगर कहीं आपको ये ग्राफ दिखता है तो ये डाइलेटेंट फ्लूइड है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस देखिए दोनों वैल्यू सेम है, इसकी पावर वन कर दी, इसकी पावर एन माइनस वन कर दी, दोनों ऐड करेंगे, पावर आपको एन ही मिलने वाली है। और ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट विस्कोसिटी फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा ग्राफ हो गया, ये तो हमारा ग्राफ हो गया डाइलेटेंट फ्लूइड का, इस तरीके से बनेगा। अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करिएगा आप अपने लिए। और यहां पर म्यू एपरेंट लिखते हैं,
ए डबल पी का मतलब है एपरेंट विस्कोसिटी, ओके. म्यू एपरेंट हमारी क्या होती है, ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, और इसके लिए वो ग्राफ बना हुआ है ये वाला. तो आई होप आपको डाइलेटेंट फ्लूइड हमारा समझ आया होगा. और कुछ बातें हम लोग डिस्कस करते हैं. डाइलेटेंट फ्लूइड जो होता है, यहां पे आप लिख सकते हो इट इज अ शेयर थिकनिंग फ्लूइड, ओके. ये हमारा कौन सा फ्लूइड होता है, शेयर थिकनिंग फ्लूइड भी हम इसे बोलते हैं. अब अगर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा. एग्जाम्पल्स हैं हमें शुगर, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, बटर, ओके. बटर भी हमारा क्या, डाइलेटेंट फ्लूइड है. सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च, सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च, ओके. और वेट सैंड, वेट सैंड भी हमारा क्या है, डाइलेटेंट फ्लूइड है. तो आई होप आपको ये एक क्लासिफिकेशन समझ आया होगा, जिसमें हमने क्या बताया, ये पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए. n ग्रेटर देन 1 है, b इज इक्वल है टू डाइलेटेंट फ्लूइड है. यहां पर आपने देखा अगर n ग्रेटर देन 0 है तो ओवरऑल स्लोप क्या करने वाला, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी स्लोप बढ़ेगा. तो यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया, डाइलेटेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. इसको हम लोग शेयर थिकनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, ओके. शेयर थिकनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं इसे. एग्जाम्पल्स क्या है, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, बटर, सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च एंड वेट सैंड. अब हम लोग डिस्कस करते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, वो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ही क्लासिफिकेशन है, उसे देखिएगा. अब नेक्स्ट हमारा देखिएगा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ओके. सीडो प्लास्टिक फ्लूड हमारा क्या होता है, इसको देखिएगा. अच्छा, प्रीवियस में मैंने जो आपको बोला ना इट इज़ अ शेयर थिकनिंग फ्लूड, वो आपको आई थिंक नहीं समझ आया क्योंकि मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं करा. मैंने इस वजह से उसे बोला क्योंकि आपने म्यू एपरेंट क्या पढ़ी, म्यू एपरेंट पढ़ी आपने ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, यही पढ़ा. और डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है. तो टाउ का जो रिलेशन है, टाउ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू अपॉन डी वाई से ना, ये बात समझ आ रही है आपको. अब यहां पर डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए n क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था. तो जब n हमारा इंक्रीज कर रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. तो जब ये बढ़ेगी तो शेयर स्ट्रेस भी तो बढ़ेगी. तो शेयर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हम इसे बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड, ओके. अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड. सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की कंडीशन क्या है, n शुड बी लेस देन 1 एंड b शुड बी इज इक्वल टू दी 0. अगर ऐसा केस है तो हम उसे बोलेंगे सूडो प्लास्टिक फ्लूइड. अगर आप इसको देखो, इसकी इक्वेशन को देखो, तो इसको भी हम वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं, du अपॉन dy वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी वाई. आई थिंक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वही वैल्यू लिखी है इसीलिए इसको n माइनस वन करके एक वैल्यू हमने बाहर निकाल ली है. अब आप देखो जब n जो है वो लेस देन 1 है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है. वैसे तो यहां पर हम लोग इसको भी एपरेंट विस्कोसिटी ही बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा म्यू एपरेंट क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन. अब अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जब आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एन जो है वो लेस देन वन है, यानी एम कम हो रहा है. तो जैसे जैसे m कम होगा स्लोप हमारा क्या होगा, कम होना चाहिए. तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ होता है हमारा सूडो प्लास्टिक का. अब आप इस पर टेंजेंट डाल के देख लो, यहां पर एंगल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, स्लोप सबसे ज्यादा मिलेगा, यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है. तो ये हो गया हमारा सूडो प्लास्टिक का ग्राफ. अब मैं अगर आपसे फिर से उसी तरीके से बात करूं कि टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू अपॉन डी वाई, यहां पर एन जो है वो लेस देन वन है तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, कम होने वाली है. ये कम होने की वजह से शेयर स्ट्रेस भी कम हो जाएगी. तो यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड शेयर थिनिंग फ्लूइड. वहां पे थिकनिंग हो रही थी और यहां पर क्या हो रहा है, थिनिंग हो रही है. तो देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हो इट इज कॉल्ड शेयर थिनिंग फ्लूइड, ओके. शेयर थिनिंग फ्लूइड भी हम इसे बोलते हैं. तो ये हमारी बात हो गई पूरी सूडो प्लास्टिक की, और ये इसके एपरेंट विस्कोसिटी आ गई. n की वैल्यू, b की वैल्यू याद रखिएगा, गेट में कई बार या ईएसी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन n और b के रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, आपको मैचिंग करनी रहती है, ओके. इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, एग्जांपल्स हैं हमारे ब्लड, ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, मिल्क,
पेंट, पेंट भी हमारा स्यूडोप्लास्टिक है, एंड सिरप, जो सिरप हम लोग पीते हैं वो भी सारे हमारे क्या स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। तो आई होप आपको ये दो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, वो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। ओके, टाइम के साथ कैसे विस्कोसिटी चेंज होती है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड भी देखेंगे और विस्कोसिटी भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम लगी हो तो बेशक आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।